दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गुजरात में मिली प्रचंड जीत और हिमाचल के मतदाताओं को भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इस दौरान खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आदिवासियों का जिक्र किया। चूंकि झारखंड आदिवासी और मूलवासियों से पहचान से जुड़ा हुआ है, झारखंड की पहचान आदिवासी मूलवासियों से है, यहाँ के जल जंगल जमीन से है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बातों का झारखंड की राजनीति में, झारखंड के परिदृश्य में या झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, उसे जानना और उसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की जो आदिवासी समाज है वो कहीं न कहीं बीजेपी पर यकीन करने लगी है, भरोसा करने लगी है और उनको यकीन और एतमाद हो चला है कि अगर उनका कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर सकती है। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से गुजरात में SC ST बाहुल्य सीटों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, प्रचंड बहुमत मिली है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके ही शासनकाल में, यानी कि बीजेपी के शासनकाल में, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी या जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया गया और ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को सम्मान देने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि बीजेपी के ही शासनकाल में देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाया गया, उनको नियुक्त किया गया। ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी मुख्यालय से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के आदिवासियों को, मूलवासियों को कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह से बीजेपी उनके लिए काम कर रही है, आने वाले दिनों में भी, आने वाले भविष्य में भी उनके लिए काम करती रहेगी। और गुजरात चुनाव में जिस तरह से SC ST सीटों पर बीजेपी को भारी बहुमत मिली है, भारी जीत मिली है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी बेहद खुश है और यही बात बताने की भी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने और भी बातों का जिक्र किया जिसमें खास बात यह भी रही कि आदिवासियों के संवर्धन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया, उसमें पैसों की किसी भी हद तक कमी नहीं होने दी गई और ये बताने की कोशिश की गई कि आदिवासियों के संपूर्ण विकास के लिए, उनके टोटल डेवलपमेंट के लिए केंद्र की मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। गुजरात चुनाव में जिस तरह से जीत मिली है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ये यकीन हो चला है कि किस तरह से जो देश का आदिवासी समाज है उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है और गुजरात में जिस तरह से ST सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है ये उसका उदाहरण मात्र है। ऐसे में यकीन जानिए कि झारखंड में जिस तरह से आदिवासियों की, मूलवासियों की चर्चा होती है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण का भी जिक्र जरूर होगा। और जब हम इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस बात को यकीन जानिए कि झारखंड की राजनीति भी कहीं ना कहीं अब करवट लेने की दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि झारखंड में भी अगले 2 सालों के बाद विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर असर डालेगी। क्योंकि झारखंड में जो भी राजनीति होती है वो आदिवासियों के और मूलवासियों के आसपास होती है, यहाँ की जल जंगल ज़मीन के नाम पर होती है और उसकी सबसे बड़ी हितैषी पार्टी होने का दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के आदिवासियों का जिक्र किया उससे कहीं ना कहीं साफ है कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में जब आदिवासियों का जिक्र होगा तो कहीं ना कहीं इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से आदिवासियों को लेकर के अपना मंतव्य दिया, अपनी बातें कही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बातें आदिवासियों के लिए कही जाती हैं वो बातें धरातल पर भी उतरनी चाहिए। फिलहाल मुझे मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।